नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर। तो जैसा कि आप सबको बताया कि हम BSc जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के तीनों पेपर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो हम लगातार बना रहे हैं, और उसी सीरीज में आज हमारी BSc फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स का, उसके ऊपर आज हमारी वीडियो है। तो उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो हमको पता है कि मैकेनिक्स में जो पांच क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैंने छोटे क्वेश्चंस लिखे हैं कुछ, जिनके आने के चांसेस हैं और वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन में, वो जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर लिखो। राइट द डिफरेंस बिटवीन द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सेकेंड क्वेश्चन है छदम बल क्या होते हैं, वाट इज फिक्टियस फोर्स। थर्ड क्वेश्चन है केंद्रीय बलों के दो उदाहरण दे, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। फोर्थ क्वेश्चन है अनुनाद आवृत्ति किसे कहते हैं, डिफाइन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ क्वेश्चन है एक गतिशील वृत्त की आकृति कैसी दिखाई देती है, हाउ डज ए मूविंग सर्कल लुक लाइक। सिक्स क्वेश्चन है केपलर के ग्रहीय गति के द्वितीय नियम का कथन लिखो, स्टेट केपलर सेकेंड लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन। सेवेंथ क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझाइए, डिस्कस वर्क एनर्जी थ्योरम। एट्थ क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट डाउन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए रॉकेट। तो ये आठ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे। आएंगे तो छह क्वेश्चन, तो इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की। तो बड़े क्वेश्चन में जो यूनिट फर्स्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियो रूपांतरण में रेखीय संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम निश्चर होते हैं। प्रूव दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंट एंड एनर्जी रिमेंस इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन है ध्रुवणी निर्देश तंत्र में द्रव्यमान एम के गतिशील कण पर कार्यरत कोरियोलिस बल का व्यंजक प्राप्त करें। एक्सप्रेशन फॉर कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग पार्टिकल ऑफ ए मास एम इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थर्ड क्वेश्चन है फोकोलोला क्या है, इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, व्हाट इज फोकोल्ड पेंडुलम। विथ इट्स हेल्प प्रूव दैट अर्थ रोटेट्स अलोंग इट्स ओवन एक्सिस। फोर्थ क्वेश्चन है लोरेंज रूपांतरण के कारण लंबाई संकुचन को उत्पन्न कीजिए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ कॉन्ट्रेक्शन अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूनिट फर्स्ट में से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस मुझे लग रहे हैं इस बार एग्जाम्स में आने के। सेकंड यूनिट में से बात करें तो पहला क्वेश्चन है प्रचक्रणी लट्टू की पुरस्करण गति का वर्णन करें तथा पुरस्करण आवृत्ति की गणना करें। डिस्क्राइब द प्रेसिशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप एंड कैलकुलेट इट्स प्रेसिशन फ्रिक्वेंसी। सेकेंड क्वेश्चन है एक निकाय में तीन समान द्रव्यमान एम क्रमशः बिंदु ए 00 व 0A0 तथा 00A पर स्थित है, इस निकाय के सभी जड़त्वीय गुणांक ज्ञात कीजिए। थ्री पार्टिकल्स ऑफ सेम मास एम आर प्लेस्ड एट ए 00, 0A0 एंड 00A इन ए सिस्टम। डिटरमाइन और इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए केंद्रीय बल एक संरक्षी बल का उदाहरण है, प्रूव दैट सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्थ क्वेश्चन है नियत संरक्षी बल क्षेत्र में एक कण के सरल रेखीय गति का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए कांस्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो यूनिट सेकंड में से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड प्रकीर्णन को समझाइए, अल्फा प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन कोण तथा संगत प्राचल में संबंध स्थापित कीजिए, डिफाइंड रदरफोर्ड स्कैटरिंग, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन स्कैटिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग। सेकंड क्वेश्चन है एक अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा औसत शक्ति 6
विशेषता गुणांक का व्यंजक उत्पन्न करें। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी एवरेज पावर डिसिपेशन एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रह गति के लिए केपलर के नियमों का उल्लेख कीजिए। हम केपलर क्षेत्रफल नियम को व्युत्पन्न कीजिए। गिव केपलर्स लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन। डिराइव केपलर्स एरिया लॉ। फोर्थ क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के निकट ही चक्कर लगा रहा है, उसके आवर्तकाल की गणना कीजिए। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ ए अर्थ, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। तो थर्ड यूनिट में से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी यूनिट की। तो चौथी यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चलित आवर्ती दोलक के लिए अवकल समीकरण स्थापित करें। एस्टेब्लिश द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए ड्रायर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड सॉल्व इट। सेकंड क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में एल सी और आर की वैल्यू दी हुई है, तो परिपथ की आवृत्ति या विशेषता गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है और हो सकता है उसमें यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज हो जाए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे तक निकालना है उसका तरीका पता होना चाहिए। इन सीरीज एलसीआर सर्किट एल सी आर ये वैल्यू दी है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। थर्ड क्वेश्चन है, युग्मित दोलक क्या होते हैं। तो युग्मित दोलक की प्राकृतिक आवृत्तियाँ समान है, तो ऊर्जा के आदान प्रदान की व्याख्या करें। व्हाट आर कपल ऑसिलेटर्स। कपल्ड ऑसिलेटर्स इफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ टू कपल्ड ऑसिलेटर्स आर सेम देन एक्सप्लेन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन देम। तो चारों यूनिट में से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की, छोटे क्वेश्चन की बात की। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।